लो आ गए हम दोस्तों। कोरोना वायरस जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, ईश्वर ना करे यह आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों यदि यह हो जाता है तो आपके परिवार के उस सदस्य को मेडिकल टीम ले जाएगी, आपको भी पता नहीं लगेगा कि कहाँ ले गए, और आपके परिवार को कर दिया जाएगा क्वारंटाइन, यानी पूरे परिवार को एक घर में बंद कर दिया जाएगा। कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, कोई आपको छुएगा भी नहीं। दोस्तों बहुत बेकार स्थिति होगी, उस व्यक्ति को ले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ ले गए हैं, देखने की तो बात दूर है। आपको लगता होगा टीवी फिल्मों में देखकर कि बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ हमें ले जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, यदि स्थिति बिगड़ती है तो आपको पता ही है भारत के हॉस्पिटल्स की हालत क्या है, आपको किस स्थिति में रखेंगे। इस बात की कल्पना आप स्वयं कर लें कि हॉस्पिटल में आप किस स्थिति में रहेंगे, आपके आसपास आपके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होगा। ईश्वर ना करे यदि मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को पॉलिथीन में लपेटकर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा इस तरीके से, और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपके परिवार का सदस्य गया। दोस्तों अभी हमें हमारे परिवार के सभी सदस्य दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है माहौल बहुत अच्छा है, हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस डर को दिमाग में बैठा के रखें कि ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन डर को दिमाग में बैठा कर रखें, क्योंकि डर रहेगा तो हम सतर्क रहेंगे, और दोस्तों सतर्कता से ही अपने जीवन को बचाया जा सकता है, अपने देश को बचाया जा सकता है। इस बीमारी का एकमात्र उपचार है स्टे एट होम, यानी कि घर में ही रहें। दोस्तों खतरा बहुत अधिक है, इसको मजाक में ना लें। देश हमारा है और हमें ही इसे बचाना है, और हम इसे बचाएंगे ही। घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।